हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग देख रहे हैं हमारे प्रिलिम्स लॉकडाउन की सीरीज, जिसमें कि कंप्लीट जीएस फॉर प्रिलिम्स डिस्कस किया जा रहा है। इस कंप्लीट जीएस में हम लोग ने इकोनॉमिक्स की ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और हम लोग आगे अभी ज्योग्राफी की डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में रॉक सिस्टम, माउंटेन सिस्टम, प्लेटो सिस्टम, इन सब के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब जरा कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखेंगे बेसिकली लैंड फॉर्म्स के बारे में, भू आकृतियों के बारे में। उस भू आकृतियों को पढ़ने से पहले हमें कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ और भी चीजें हैं, कुछ और भी प्रोसेसिंग्स हैं, उसके बारे में देखना होगा कि आखिर में वो क्या कुछ है, कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसके बारे में पढ़ने के बाद हम लोग लैंड फॉर्म पढ़ने के, समझने के जो है कह लीजिए कि लायक हो जाएंगे। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगेन ये कुछ हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है जिसका आप लोग यूज कर सकते हैं अपने क्वेरी को पूछने के लिए। बाकी हमारे कुछ कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जिनको आप लोग यूज कर सकते हैं अगेन अपने प्रिपरेशन के लिए। बाकी हमारे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है जिसको कि आप लोग अवेल कर सकते हैं। बाकी आते हैं हम लोग अपने डिस्कशन पॉइंट पे, दैट इज द एक्सोजेनेटिक मूवमेंट। हम लोग देखिए अर्थ की मूवमेंट के बारे में डिस्कशन कर रखे थे, तो अर्थ की मूवमेंट में हम लोगों ने बेसिकली दो तरीके का मूवमेंट देखा था। एक मूवमेंट हम लोगों ने देखा था एंडोजेनेटिक मूवमेंट देखा था हम लोगों ने, और दूसरा मूवमेंट हम लोगों ने देखा था एक्सोजेनिक मूवमेंट। एंडो में हम लोगों ने बात किया था कि यहां पर डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस हो जाते हैं, जैसे एक तो हो गई जो आपकी ओरोजेनी हो जा रही होती है, दूसरी हो जा रही होती है जो एपीरोजेनी हो जाती है, तीसरी हो जाती है जो अर्थक्वेक हो जाती है, चौथी हो जाती है जो वोल्केनो हो जा रही होती है। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने सारा का सारा डिस्कशन कर रखा है, क्लियर है सारी कुछ चीजें। अब तो विजुअलाइजेशन भी स्टार्ट हो गया होगा होना, तो ये काफी ज्योग्राफी के साथ बड़ी खास बात होती है कि विजुअलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। इकोनॉमिक्स से हम लोगों ने अपना बजट और अपना पर्स संभालना सीख लिया, ज्योग्राफी से हम लोग अपनी पूरे वातावरण को, पूरे माहौल को चेंज कर रहे होते हैं। इनफैक्ट अब आपको एक आइडिया भी लग रहा होगा कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के बाद जिंदगी कैसे बदल जा रही होती है। चलिए खैर, दैट इज द डिफरेंट थिंग। हम लोग आते हैं अपना जरा प्रिलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए, तैयारी कर लेते हैं फटाफट। ओके, तो हम लोगों ने इंडोजेनिक जितने भी फोर्सेस होती हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लिया था। जरा देखते हैं एक्सोजेनिक में क्या क्या कुछ चीजें हैं। एक्सोजेनिक में क्या था कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस थे बेसिकली उनके बारे में हमें डिस्कशन करना है। एक्सटर्नल फोर्सेस जैसे विंड हो गया, या फिर वाटर हो गई, या फिर रिवर हो गया, या फिर ग्लेशियर हो गया, या फिर ओशियन वेव हो गई। तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हो जा रही होती हैं, नंबर ऑफ चीजें हो जा रही होती हैं जो कि एक्सटर्नल एजेंट के रूप में आ जाते हैं, और ये एक्सटर्नल एजेंट कंटिन्यूअसली जितनी भी लैंडफॉर्म है, जितनी भी भू आकृतियां हैं, जितने भी अर्थ के सिस्टम्स हैं, सबको इंपैक्ट कर रहा होता है। इस इंपैक्ट करने के दौरान में कई सारी नई चीजें बनती हैं, कई सारी डिपोजिशंस हो रही होती हैं, कई सारी टूट रही होती हैं और कुछ चीजें बन भी रही होती हैं। इस टूटने, बिखरने और बनने का ही जो रूप निकल के आता है, जो भी स्ट्रक्चर बेसिकली सामने आ रहा होता है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इसी को बोलते हैं हम लोग बेसिकली लैंड फॉर्म। तो हम लोग इस लैंड फॉर्म के बारे में तो हालांकि नेक्स्ट क्लास में बात कर रहे होंगे, लेकिन इन सारे चीजों के बारे में एंड द फोर्सेस बिहाइंड दीज एजेंट, वो हम लोग इस क्लास में बेसिकली बात करेंगे क्या कुछ है। फटाफट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने में सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला पॉइंट कि एक्सोजेनिक फोर्सेस होती क्या है। तो दीज आर बेसिकली व्हाट, दीज आर डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द अर्थ मटेरियल। तो हम लोगों ने एक देखा था जो इंटरनल फोर्सेस थी, उन इंटरनल फोर्सेस के कारण से हम लोगों ने एंडोजेनिक फोर्सेस देख लिया। अब हम लोग देख रहे हैं बेसिकली जो एक्सोजेनिक या फिर स्ट्रेस जो लग रही है वो बाहर से कैसे लग रही है, ड्यू टू द वेरियस फोर्सेस दैट कम एग्जिस्टेंस ड्यू टू द सन इफेक्ट। तो कुछ चीजें होती हैं जो सन के इफेक्ट से हो रही होती हैं, टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण से हो रही होती है, उसको हम लोग देखते हैं कि वो क्या कुछ है। इसके अलावा अर्थ मटेरियल बिकम सब्जेक्टेड टू मॉलिक्यूलर स्ट्रेस कॉज ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। जैसे होता क्या है, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बताया था कि एक मान लेते हैं कि छोटी सी स्मॉल बॉल है, आपने एक स्मॉल बॉल को लिया और मान लेते हैं कि ये मेटल की है, मेटल का होने के कारण से इसको मान लेते हैं कि हीट किया गया, हीट करने के कारण से इसके अंदर में एक्सपेंशन हमें देखने को मिलेगा। ये एक्सपेंशन बेसिकली समय के साथ में ये कितना हो जाएगा, कुछ बड़ा हो जाएगा। मान लेते हैं कि ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर ये ले लिया और ये अब इनका स्मॉल स्ट्रक्चर हुआ करता था, स्मॉल स्ट्रक्चर दिस इज द ओरिजिनल ये वाला है, तो T1 टेम्परेचर पे ये है, T2 टेम्परेचर पे ये हो जा रहा होता है। जब इसको वापस से कूलिंग करेंगे तो कूलिंग करने पर होगा क्या कि अपने वापस से पुराने स्ट्रक्चर को रीगेन करने की कोशिश करेगा,
लेकिन यहां पर क्या है, इसका सरफेस तो एक्सपैंड हो गया है, फैल गया है, एक्सपैंड होने के कारण से अब जब इसको कूल करेंगे वो क्या है, पपड़ी के तरीके से इस तरीके से जम जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली एक्सफोलिएशन। और ये जो एक्सफोलिएशन की बेसिकली जो टेक्निक है ये होती है टेम्परेचर के अप और टेम्परेचर के डाउन होने के कारण से। तो बेसिकली हीटिंग और कूलिंग के बाद अल्टीमेटली जो चीज हमें सामने निकल के आती है वो निकल के आती है एक्सफोलिएशन। थोड़े से टर्मिनोलॉजी आपके लिए नई हो सकता है कि आ जाए, लेकिन ये है कि कंसेप्ट तो आपको ऑलरेडी पहले से पता ही होंगे। और इसी एक्सफोलिएशन के कारण से लगातार एक मॉलिकुलर स्ट्रेस पड़ता रहता है। व्हाट इज मॉलिकुलर स्ट्रेस? जैसे किसी भी स्ट्रक्चर में इस तरीके से हमारी मॉलिक्यूल्स मिलके बनी होती है। आपको पता है कि सबसे पहले कोई, मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो होता है वो कई सारे मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है, ये कई सारे मॉलिक्यूल्स कई सारे एटम से मिलके बने होते हैं, ये कई सारे एटम सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, होता है कि नहीं होता है? तो ये सब तरीके हो जाते हैं, जैसे एटम हो गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन यहां पर आ जाएगा, फिर इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर के एक मॉलिक्यूल बन जा रहा होता है। मॉलिक्यूल में जैसे मान लेते हैं कि मीथेन का कंपाउंड है तो CH4 बन जाएगा। सब एटॉमिक पार्टिकल में आपको पता है क्वार्क हो गया, या फिर छोटी मोटी न्यूट्रिनो वाली चीजें हो जा रही होती हैं, तो वो सब एटॉमिक पार्टिकल हो जाते हैं। तो अगर मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट देखें तो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट में हुआ क्या, बेसिकली जब आपने हीट दिया है तो ये जो मॉलिक्यूल का जो रैंडम मोशन है वो बेसिकली एक्सपैंड हो गया। तो मॉलिक्यूलर एक्सपेंशन होने के कारण से अब इनके बीच का जो आपस में गैप था वो ब्रॉड हो गया है, बढ़ गया है। ब्रॉड होने के बाद क्या होगा, बीच में जो इनका आपस में जो ब्राउनियन मोशन था, जो भी मोशन था बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद से वो ज्यादा हो जाएगा। एज पार्ट ऑफ रिजल्ट यहां पर एक्सफोलिएशन देखने को मिल जा रही होगी। क्लियर हो गया मॉलिक्यूलर स्ट्रेस कैसे हो रहा है? आपको फिगर से भी समझ में आ गया होगा क्या चीज है। ओके, तो अब ये क्यों हुआ? दिस हैज डन बिकॉज ऑफ टेम्परेचर चेंज। तो यहां पर बेसिकली टेम्परेचर में चेंज किया गया जिसके कारण से ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही थी। आगे बात करें तो सिमिलरली जो होती है इसी तरीके से कुछ और भी चेंजेस हो जाते हैं, जैसे केमिकल प्रोसेस भी होती है। तो केमिकल प्रोसेस में क्या होती है, कई सारे बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर बात करें, मान लेते हैं कि कैल्शियम का ही कार्बोनेट है, सपोज कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट की या फिर कैल्शियम सल्फेट की रॉक होती है कि नहीं होती है, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम सल्फेट की रॉक होती है, जिसको हम लोग लाइमस्टोन भी बोल दे रहे होते हैं। तो ये बेसिकली हो जाती है लाइमस्टोन की। जब इसमें आप बेसिकली वाटर मिलाते हैं और काफी ज्यादा मात्रा में अगर मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में केमिकल रिएक्शन कर लेंगे। और इस केमिकल रिएक्शन के बाद अगर आप लोग बचपन में केमिस्ट्री बढ़िया से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पर कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड बन जा रही होती है और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो लिबरेट हो जा रही होती है। ये तरीका होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, अल्टीमेटली ये प्रेसिपिटेशन हो जा रही होती है, दिस इज व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। और इस तरीके से यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या, हुआ यही कि यहाँ पर जो रॉक थी, जो लाइमस्टोन रॉक थी, सेडिमेंट्री रॉक थी, वो पानी के साथ में वाटर के साथ मिल करके एक सोल्यूशन बना लिया, और सोल्यूशन के कारण से वहां पर जो स्ट्रक्चर था वो अब मॉडिफाई हो गया है। तो बेसिकली हुआ क्या कि कैल्शियम के साथ में यहां पर जो कार्बोनेट बॉन्ड इस तरीके से होता है, CO3 होता है ना, तो इस तरीके से हमारी कार्बोनेट के साथ बॉन्ड हो रही होती है। तो ये जो बॉन्ड है बेसिकली वो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ के साथ ये जो डबल बॉन्ड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड होता है यहाँ पर, ये जो डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है इसके कारण से एनर्जी लिबरेट हुई और बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, फिर बॉन्ड फॉर्मेशन के कारण से अपना एनर्जी अलग निकल रही होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग के कारण से हमें केमिकल प्रोसेस ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट देखने को मिल रही होती है। कुछ समझ में आया क्या चीज है? हालांकि इतनी केमिस्ट्री की जरूरत नहीं है, बस मैं भी थोड़ा सा आपको ज्ञान दिखा रहा हूं, क्या ज्ञान है। चलिए खैर, तो आपको साइंस के अगर स्टूडेंट होंगे तो आपको आइडिया भी लग रहा होगा, ठीक है। चलिए खैर, बाकी अगर बात करें तो टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन आर टू अदर इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक एलिमेंट्स दैट कंट्रोल वेरियस प्रोसेस बाय इंड्यूसिंग स्ट्रेस इन द अर्थ मटेरियल। अब ये क्या चीज है, हालांकि प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर में होता यह है कि सपोज थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये है कोई सॉइल है, या फिर मान लेते हैं कोई एक यहाँ पर लैंडफॉर्म बना हुआ है। लैंडफॉर्म जब नॉर्मल केस में होता है तो यहाँ पर कोई क्रीप, मतलब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है, लेकिन जब रेनफॉल हो जाती है तो रेनफॉल के पास ये जो रेन है बेसिकली इसके पास होती है वेलोसिटी। जब ये वेलोसिटी के साथ में स्ट्रक्चर पे इस तरह से हिट करता है तो यहाँ पर हिटिंग के कारण से जो सरफेस होती है वो यहाँ पर
हिट होने के कारण से यहां पर क्रम्बल कर जाती है, मतलब यहां पर टूट जा रही होती है। तो टूट जाना या फिर वेदरिंग हो जा रही होती है। इस वेदरिंग के कारण से होता क्या है कि अब बाकी एजेंट को तरीका मिल गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले कोई भी चीज अगर टूटी नहीं होगी तो बाकी का जो भी एजेंट है, चाहे वो रिवर हो, चाहे विंड हो, चाहे वाटर हो, चाहे कुछ भी हो, वो जो सिस्टम है वो तोड़ नहीं पा रहा है। लेकिन यहां पर रिवर ने क्या किया, रिवर का मतलब कि यहां पर जो हमारी रेनफॉल है, रेनफॉल ने उसको तोड़ दिया है। और तोड़ने के बाद अब जब बाकी एजेंट है, जो रिवर हो गया या विंड हो गया या ग्लेशियर हो गया या जितने भी बाहर के एजेंट है, अब ये जो टूटा हुआ पोर्शन है उस टूटे हुए पोर्शन के सहारे और तोड़ने की कोशिश कर दे रहे होते हैं। तो ये होती है बेसिकली टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के कारण से होने वाला लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। क्लियर हो गया क्या चीज है? चलिए खैर आगे बात करें अगर, तो देखिए डेन्यूडेशन की छोटी सी प्रोसेस दी गई है। डेन्यूडेशन का मतलब होता है एक तरीके से वेदरिंग, टूटना, ठीक है। तो वेदरिंग इट इज अ प्रोसेस ऑफ वियरिंग अवे फ्रॉम द अर्थ। तो वियरिंग का मतलब यही है, किसी चीज का टूट फूट होना, वियर एंड टीयर वाली जो चीज होती है वही है वियरिंग, दैट कॉज जनरल लोअरिंग एंड लेवलिंग आउट ऑफ द सर्फेस। तो ये चीज हो जा रही होती है। अब अगर हम लोग बात करें वॉट एग्जैक्टली इज द डेन्यूडेशन एंड वॉट ऑल आर द प्रोसेसेस दैट इज इन्वॉल्व हियर इन डेन्यूडेशन। डेन्यूडेशन में मतलब टूटने के दौरान में कौन कौन सी प्रोसेस हो रही होती है। तो बेसिकली यहां पर चार तरीके की प्रोसेसेस हो जा रही होती है। जैसे नंबर वन के बारे में बात करें तो वेदरिंग होती है। वेदरिंग का मतलब क्या होती है, अब यहां पर जरा समझने की कोशिश करते हैं वॉट एग्जैक्टली इज द मैटर हियर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कोई एक सरफेस है, वो इस तरीके से उबड़ खाबड़ बना हुआ है। मान लेते हैं कोई एक सरफेस है तो सीधी सी बात है एक तरीके की भू आकृति है, कोई ना कोई एक अर्थ स्ट्रक्चर है। और ये जो अर्थ स्ट्रक्चर है, बेसिकली ये अर्थ स्ट्रक्चर को ही हम लोग बोल रहे हैं कि ये एक लैंड फॉर्म है। क्लियर हो गया। यहां पर लैंड फॉर्म जो होता है वो ऑब्वियस सी बात है विंड के संपर्क में होगी, विंड के कॉन्टैक्ट में होगी, चाहे रिवर के कॉन्टैक्ट में होगी, चाहे ग्लेशियर के कॉन्टैक्ट में होगी, चाहे किसी अदर एजेंट के कॉन्टैक्ट में होगी। मान लेते हैं कोई भी एजेंट जो होता है उसके कॉन्टैक्ट में ये बनी हुई है। लेकिन यहां पर किसी प्रकार का कोई टूट फूट कुछ भी नहीं बना हुआ है। दिस इज बेसिकली अ स्टेबल लैंडफॉर्म एंड दिस स्टेबिलिटी इज बिकॉज ऑफ व्हाट। क्यों है ये? इसलिए है क्योंकि कोई एक ऐसा एजेंट इस पर काम नहीं कर पा रहा है जो इसमें चेंज ला सके। तो चेंज लाने के लिए सबसे पहले मुझे एक चेंज लाना पड़ेगा, और इस चेंज को और ज्यादा एनहेंस किया जा सकता है हमारे इन एजेंट के द्वारा। इन एजेंट के द्वारा यहां पर जो इसको मैं एक्सटर्नल एजेंट बोल देता हूं, इस एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा एनहेंसिंग की जा सकती है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि यहां पर आपको चेंज लाना पड़ेगा। चेंज लाने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं, यहां पर जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले नंबर पे यहां पर सबसे पहले आती है गोट, बकरी। बकरी क्या करती है, बकरी और गाय में देखिए बड़ा एक फर्क होता है। एक होती है जो काऊ होती है, दूसरी होती है जो गोट होती है। काऊ जो होती है, जैसे अगर घास फूस खा रही है तो केवल सरफेस की चीजों को स्टक करती है। जैसे थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं, मान लेते हैं कि ये कोई घास है, ये पेड़ नहीं है, ठीक है, ये घास है, दिस इज अ ग्रास। बहुत ही माइक्रोस्कोप लगा रखा है मैंने यहां पर। जब काऊ आती है खाने इस घास को, तो काऊ केवल यहां से प्लक करती है, यहां से चीजों को तोड़ रही होती है, यहां से प्लकिंग हो रही होती है। तो सरफेस की जो ये जड़ है, ये जड़ बची रह जाती है, जिसके कारण से अब जड़ सीधी सी बात है ऐसे पूरा फैला हुआ है। अब यहां पर काऊ जब प्लक कर रही होती है तो केवल और केवल ये ऊपर वाले पार्ट को प्लक कर रही होती है। लेकिन जब बकरी आती है, जब गोट आती है और वो प्लक करती है, तो जमीन से उठाती है। तो जमीन से उठाने के कारण से यहां की जो ये स्टेबल सॉयल थी बेसिकली, क्या वो स्टेबल रह गई क्या अब? नहीं। क्यों? क्योंकि इसको बकरी ने तोड़ दिया, पूरी जड़ सहित इसने खींच दिया, जिसके कारण से यहां का जो स्ट्रॉन्ग सरफेस बना हुआ था वो बेसिकली अब वीक हो गया। और वीक होने के कारण से अब बाकी के जो एजेंट है, रिवर, वाटर, विंड, ये सब जो है इसको और ज्यादा तोड़ना शुरू कर देंगे। तो ये एक तरीका हुआ जहां पर एनिमल हो गया, वो एनिमल जो है इस तरीके का प्रोसेस, इस तरीके की डेन्यूडेशन कर दे रहा होता है। सिमिलरली बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे एक हो गया आपका जो रेनफॉल है, रेनफॉल के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने अभी देख ही लिया है। तीसरी चीज हो जाती है जो मैन मेड एक्टिविटी हो जाती है, या फिर बोल सकते हैं एंथ्रोपोलॉजिकल एक्टिविटीज, जैसे डायनामाइट हो जाना या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क करा देना या इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो हो जा रही होती है। अब नाउ व्हाट हैज एग्जैक्टली हैपेंड, हुआ क्या है? सबसे पहले हम लोगों ने यहां पर एक चेंज लाने के लिए यहां पर बेसिकली एक
गड्ढा किया है, या फिर कह सकते हैं कि यहां पर बेसिकली एक तोड़ने का फर्स्ट प्रोसेस किया है। तो फर्स्ट प्रोसेस या फर्स्ट एक्शन टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन हम लोगों ने किया हुआ है। इस फर्स्ट एक्शन को ही बोलते हैं हम लोग वेदरिंग। तो इस तरीके की जब चीजें होती हैं जहां पर पहली बार कोई चीज एक्शन में आ रही होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली वेदरिंग। क्लियर हो गया क्या चीज है? वेदरिंग जब आगे बाकी एजेंट के सहारे, बाकी यहां पर एक्सटर्नल एजेंट लगातार काम कर ही रहे हैं, उस बाकी एक्सटर्नल एजेंट के कारण से अब ये एनहेंसमेंट स्टार्ट हो जाती है। इस एनहेंसमेंट को हम लोग अब बोलना शुरू कर देते हैं कि ये बेसिकली इरोजन हो रही है। हालांकि दोनों के दोनों सिनोनिम ही है, वेदरिंग इज ऑल्सो सेम एज इरोजन, बट इन ज्योग्राफी वे बेसिकली क्लासीफाई दीज टू टर्म्स एज डिफरेंट टर्मिनोलॉजी। यहां पर वेदरिंग इनिशियल फेज होती है, सेकेंड फेज आप इरोजन को बोल रहे होते हैं, तो ये बेसिकली इरोजन हो जा रही होती है। इस इरोजन को और आगे बढ़ाने के लिए नेक्स्ट जो टर्म आती है वो आती है ट्रांसपोर्टेशन। अब हुआ क्या है कि जब विंड हो गया या रिवर हो गई या जो कुछ भी एजेंट है, जब तोड़ा, तोड़ने के बाद वो अपने साथ में उसको कैरी करके लेकर के जाएगा, और ये जो कैरी करके लेकर के जा रहा है उसी को हम लोग बोल रहे हैं बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के बाद जब इसकी स्पीड कम पड़ जाएगी या फिर कह लीजिए कि अब इसकी कैरिंग कैपेसिटी नहीं रह जाएगी, तो फिर अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगा। तो ये बेसिकली वो फोर प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू डेन्यूडेशन हो रही होती है। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को, चाहे वो आपकी वेदरिंग हो, चाहे वो आपका इरोजन हो, चाहे वो आपका ट्रांसपोर्टेशन हो, या चाहे आपकी डिपोजिशन हो, इस चारों के चारों को मिला करके बोला जाता है डेन्यूडेशन। तो इसकी बेसिकली चार प्रोसेस होती है। आपको क्लैरिटी आ गई कि क्या चीज है यहां पर? क्लियर। आप जरा देखते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग द डेन्यूडेशन। बहुत सारे फैक्टर होंगे जो इस चीज को अफेक्ट कर रहे होंगे, वन बाय वन करके अगर डिस्कस करें तो सबसे पहले आती है क्लाइमेट। क्लाइमेट हमारी दो तरीके की होती है, एक होती है जो वेट क्लाइमेट होती है और दूसरी होती है जो ड्राई क्लाइमेट होती है। वेट क्लाइमेट में क्या होगा कि मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, मॉइस्चर बोलिए या ह्यूमिडिटी बोलिए। अब ये मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी होता क्या है, मान लेते हैं ये हमारा सरफेस है, सरफेस में अगर कहीं पर भी, मान लेते हैं कहीं पर भी कोई होल है, मान लेते हैं यहां पर कोई होल है, और ये होल क्यों हो गया? चीटी ने यहां पर मान लीजिए अपना घर बना लिया, या चूहे ने अपना घर बना लिया, या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अपना घर बना लिया। तो इस तरीके से यहां पर होल होना बहुत ही छोटी सी बात है, नॉर्मल सी बात है, सांप ने, केचुए ने, कुछ भी बना सकते हैं अपने। तो यहां पर किसी ना किसी स्पीसी ने अपना यहां पर होल किया हुआ है, अपना घर बनाया हुआ है। अब होगा क्या कि जब भी रात में ह्यूमिडिटी के कारण से मॉइस्चर आएगी, तो जब ये मॉइस्चर बेसिकली ओस के फॉर्मेट में, ड्यू के फॉर्मेट में सरफेस पे आएगी, तो इस एरिया में जा करके स्टोर हो जाएगा। स्टोर होगा तो सीधी सी बात है सुबह में क्या होगा, इवेपोरेट कर जाएगा, रात में आकर के यहां पर पानी इकट्ठा जमा हो जाएगा। आपको पता है इवेपोरेशन के दौरान में वाटर चला तो जाएगा, लेकिन जब वाटर यहां पर आएगा तो इट विल ट्राई टू मैक्सिमाइज इट्स वॉल्यूम, तो अपने वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता रहेगा। मैक्सिमाइज करने के दौरान में यहां का जो ये सरफेस है, जो बेसिकली प्लक किया जा चुका है किसी के द्वारा, टूटा जा चुका है, या फिर कह लीजिए कि वेदरिंग जिसकी हो रखी है, अब ये इरोजन में तब्दील हो जाएगा, इरोजन होना शुरू हो जाएगा। अब ये हुआ जब ये वेट सीजन है। ड्राई में क्या होगा? ड्राई में ये होगा कि लगातार इसमें एक्सफोलिएशन वाली जो चीज है वो होनी शुरू हो जाएगी, तो एक्सफोलिएशन हमें देखने को लगातार मिलता रहेगा, जिसके कारण से अगेन सबसे पहले हमारी वेदरिंग हो रही होगी, इस वेदरिंग के बाद इरोजन हो रहा होगा, इरोजन के बाद तो आप सारी बाकी सारी चीजें जानते ही हैं कि पहले ट्रांसपोर्टेशन होगी और उसके बाद से डिपोजिशन हो जा रहा होता है। तो ये होती है हमारी जो केमिकल या फिर कह लीजिए क्लाइमेट वाली सीन हो रही होती है। दूसरी आती है हमारी केमिकल वेदरिंग। व्हाट इज केमिकल वेदरिंग? अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि अगर मान लेते हैं कि लाइमस्टोन है या फिर कुछ भी है, मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट के, कार्बोनेट का कोई कंपाउंड है या सल्फेट का कोई कंपाउंड है, जब ये वाटर के साथ में रिएक्शन कर रहा होता है तो हाइड्रोक्साइड बना रहा होता है, और बाकी जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये लिबरेट हो जा रही होती है। इस तरीके से ये यहां पर क्या है, एक सोल्यूशन बना लिया, और ये सोल्यूशन बेसिकली इलाके को डेन्यूड कर दे रहा है, वेदर कर दे रहा है, तोड़ दे रहा है। तो कैसे तोड़ा है इसने? इसने तोड़ने के लिए कुछ नहीं किया है, बस एक सोल्यूशन बना दिया है, और वो सोल्यूशन बेसिकली क्या हुआ, पानी के साथ मिक्सिंग हो करके जो सरफेस बनी हुई है, मतलब अभी प्रेसिपिटेट निकल के नहीं आया है, अभी सोल्यूशन बना हुआ है, एंड दिस इज हाउ
केमिकल वेदरिंग हो जा रही होती है। जनरली इस तरीके की केमिकल वेदरिंग हमें इस तरीके लाइमस्टोन वाले इलाके में मिल रही होती है, जहां पर हम इस तरीके के लैंडफॉर्म को बोलते हैं कास्ट, KARST, कास्ट लैंडफॉर्म। तो ये कास्ट लैंडफॉर्म होती है, जनरली उस इलाके में होती है जहां पर लाइमस्टोन पाया जा रहा होता है। इंडिया में अगर बात करें लाइमस्टोन दो जगह पर है, एक है राजस्थान में जो पाया जा रहा होता है, और दूसरा बताइए कहां पर है। करंट अफेयर्स में मैंने आप लोगों को बता रखा है बहुत बड़ी गुफा मिली है, केव मिली है, कहां पे? मिजोरम में, मिजोरम एंड मेघालय, इस इलाके में भी हमें लाइमस्टोन मिल रहा होता है विद इन इंडिया। अगर फॉरेन के बारे में बात करें तो यूगोस्लाविया में बेसिकली जो है वो लाइमस्टोन की इस तरीके की चीजें मिल रही होती है, और साथ में यूएस के भी कुछ पार्ट में मिल रही होती है, लेकिन मैक्सिमम यूगोस्लाविया में ही मिल रहा होता है। क्लियर हो गया क्या चीज है? केमिकल वेदरिंग पता चल गया, क्लाइमेट पता चल गया, चीजें पता चल गई। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारी नेक्स्ट आती है जो फिजिकल वेदरिंग वगैरह का केस हो जाता है। इसको एक बार मैं क्लियर कर देता हूं ताकि आपको और क्लैरिटी दिखे। ओके, काफी साफ हो गया। चलिए खैर, फिजिकल वेदरिंग के बारे में बात करें तो फिजिकल का मतलब क्या चीज होती है? ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि जो साइंस होती है वो बेसिकली तीन पार्ट में होती है। एक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिक्स, दूसरी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री, तीसरी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी। ठीक है, केमिस्ट्री में क्या होती है? जिसको आप देख नहीं पाते हैं, रिएक्शन हो जा रही होती है और आपको पता नहीं चल पाता है। फिजिक्स में क्या होती है? जो चीज विजिबल है, सामने है, दिख रही है, तो दिस इज बेसिकली विजिबल थिंग, जो दिख रही है, सामने हो रही है। बायोलॉजिकल वो होता है जो जीव जंतु या फिर एनिमल उसके शरीर के अंदर हो रही होती है, तो दिस इज बेसिकली द इंटरनल मैकेनिज्म विच इज देयर इन द लिविंग एलिमेंट। तो ये लिविंग एलिमेंट के अंदर में चीजें हो रही होती हैं। हालांकि यहां पर भी फिजियोकेमिकल प्रोसेस ही हो रही होती है, ये भी फिजियोकेमिकल ही है, लेकिन वो फिजियोकेमिकल प्रोसेस जो किसी लिविंग एलिमेंट में हो रही होती है उसी को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी। क्लियर? तो हम लोगों ने केमिकल प्रोसेस के बारे में बात कर लिया अपने केमिकल वेदरिंग में। अब जरा हम लोग बात करते हैं फिजिकल प्रोसेसेस की। तो फिजिकल प्रोसेस यानी विजिबल हो रही होगी, तो विजिबल होने में क्या होती है? टेम्परेचर चेंज हो रही होती है, तो टेम्परेचर में अगेन वही कूलिंग और थॉइंग वाला केस आ जाएगा, यानी कह सकते हैं कि कूलिंग और हीटिंग वाला केस आ गया है, और कूलिंग और हीटिंग के कारण से यहां पर एक्सफोलिएशन वाला केस सामने आ जाएगा। तो एक्सफोलिएशन अगेन यहां पर ऊपर में पपड़ी जमना शुरू हो जाएगी, और उस पपड़ी के कारण से अल्टीमेटली वेदरिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अगेन वही वेदरिंग होगी, वेदरिंग के बाद फिर इरोजन हो जाएगा, इरोजन के बाद फिर क्या हो जाएगी? ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगी, और ट्रांसपोर्टेशन के बाद फिर अल्टीमेटली यहां पर इसका डिपोजिशन हो जाएगा। क्लियर हो गया क्या चीज है? दूसरी आती है रिपीटेड वेटिंग एंड ड्राइंग। अगेन ये भी वही चीज है जो क्लाइमेटिक इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। यहां पर भी चीजें आएंगी, जमेंगी, जमने के बाद फिर उसका इवेपोरेशन हो जाएगा। तो ये बेसिकली कूल और ड्राई कंडीशन इस तरीके से होने के कारण से हो रहा होता है। तो ये साइकिल जब मेंटेन होती है तो उसी से हम लोग बोल दे रहे होते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी फ्रॉस्ट, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरा ध्यान से समझिएगा क्या चीज है। यही सरफेस है मान लेते हैं, और यहीं पर हमारा होल बनाया हुआ था किसी चींटी ने या कोई भी एलिमेंट ने। यहां पर आकर के फ्रॉस्ट कंडीशन के कारण से यहां पर आकर के आइस पार्टिकल जम गया। अब आपको पता है कि जब भी आप मान लेते हैं कि यह हमारी कोई बोतल है, तो हम बोतल में पानी भरे, यहां पर पानी भरे और उसके बाद से फ्रिज में रख दिए, तो बोतल को तो हमने नॉर्मल पानी भरा था, लेकिन फ्रिज में रखने के बाद इसमें सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद से वॉल्यूम इसका बढ़ गया बिकॉज ऑफ द चेंज इन डेंसिटी। चेंज इन डेंसिटी के कारण से वॉल्यूम में चेंज आ गया, और अल्टीमेटली जो बॉटल थी हमारी वो डिस्टॉर्ट हो गई है। ये सब तो आपको पता ही होगा, 4 डिग्री वाला कंसेप्ट भी पता होगा कि पानी के साथ में 4 डिग्री में डेंसिटी मैक्सिमम शो कर रहा होता है। चलिए खैर, दैट इज डिफरेंट थिंग, वाटर के साथ में स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। फिलहाल जरा वापस से इस पे आते हैं, तो हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारी सॉलिड एरिया है वो भी अपनी डेंसिटी बढ़ा रही होती है। तो यहां पर जब ये अपना वॉल्यूम बढ़ाएगा, तो अगर मान लेते हैं सरफेस केवल इतना था, तो यहां पर जब ये आइस आकर के जम जाएगी तो अपने सरफेस को बड़ा करके थोड़ा सा और ब्रॉड कर देगी। तो बेसिकली ये जो इलाका एक्स्ट्रा आया है ब्रॉड हो गया, तो ब्रॉडनिंग होनी शुरू हो जाएगी, और यही ब्रॉडनिंग तो बेसिकली देख रहे थे जो एक्सटर्नल एजेंट थे, जो हमारे विंड, वाटर, रिवर, ग्लेशियर, ये जितने भी लोग थे, ये तो यही ताक में थे, इसी ताक में थे कि बस ये ब्रॉडनिंग हो जाए, उसके बाद से तो बाकी हम लोग
तोड़ने का काम तो हम लोग बैठे हुए हैं कर ही लेंगे, तो इरोजन हम लोग कर लेंगे, बस हमें चाहिए क्या, वेदरिंग करा दे कोई। तो फ्रॉस्ट ने वेदरिंग करा दी। कैसे कराई, आपको समझ में आ गया है कि यहां पर वाटर थी, वाटर के बाद ये आइस में कन्वर्ट हो गया और आइस अल्टीमेटली फिर इवेपोरेट होकर के या गल करके मेल्ट होकर के वाटर में तब्दील हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आती है बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर का मतलब कुछ नहीं होता है, जैसे मान लेते हैं कि कोई प्लांट लगी, तो प्लांट के अंदर बड़ी खास बात होती है, घर को तोड़ देता है प्लांट, यहां तो केवल और केवल लैंडफॉर्म को तोड़ना है। जैसे घर में आप लोगों ने देखा होगा कि पीपल का पेड़ आ गया या फिर नॉर्मल कोई भी पेड़ आ गया, तो पूरे घर की जितनी भी सीमेंटेड पार्ट भी होती है अगर, तो उसको भी ब्रेक कर देता है, तोड़ दे रहा होता है और पूरी की पूरी एरिया में अपनी जो रूट है, अपना जो जड़ है, वो रूट सिस्टम बेसिकली चारों ओर फैला दे रहा होता है। सिमिलरली यहां पर भी है, मान लेते हैं कोई प्लांट है उसकी जड़ अभी केवल इतनी है, जैसे जैसे ये बड़ा होते जाएगा वैसे वैसे अपनी जड़ ये फैलाते जाएगा। इस हालांकि इस प्रिंसिपल को बोलते हैं हम लोग आइसोस्टेसी प्रिंसिपल, आइसोस्टेसी प्रिंसिपल। ये आपके कोर्स में नहीं है फिलहाल, ये ऑप्शनल में पढ़ा जा रहा होता है, लेकिन खैर मैं आपको एक इंट्रोडक्शन जरूर दूंगा आइसोस्टेसी का। ठीक है, चलिए खैर, तो आइसोस्टेसी के बारे में हम लोग हालांकि ओशियनोग्राफी में पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी के बाद ओशियनोग्राफी। ठीक है, तो इसके आइसोस्टेसी वाली जो कंडीशन होती है, सेम वही कंडीशन यहां पर भी हमें देखने को मिलेगी कि जो इसका रूट सिस्टम है वो चारों ओर फैल जा रहा होगा। और चारों ओर फैलने के कारण से हुआ क्या, यहाँ की जो सॉइल थी, यहाँ की जो भी मिट्टी थी या जो कुछ भी सरफेस था, वो ब्रेक कर गया, टूट गया, और यही क्या हुआ, बायोटिक फैक्टर हो गया। क्लियर हो गया क्या चीज है। तो काफी हम लोगों ने डिटेल में देखा इन सारे फैक्टर के बारे में, वन बाई वन करके देखा है। आगे बढ़े जरा अगर, तो आगे हमारी नेक्स्ट जो मूवमेंट आती है, दिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द डेन्यूडेशन। जो डेन्यूडेशन हम लोगों ने देखा है उससे एक अलग सिस्टम होती है जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली मास मूवमेंट। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में एक्सक्लूसिवली ये दिया हुआ है, और एक्सक्लूसिवली देने का मतलब है कि इसमें प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कभी भी इसके पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा हो जा रही होती है। देखते हैं क्या कुछ है पहले, फिर हम लोग देखेंगे डेन्यूडेशन से क्या अंतर है। डेन्यूडेशन में आप लोगों को एक चीज समझ में आ गई है, बेसिकली दिस इज वॉट, दिस इज अ नॉर्मल फिनोमिना ऑफ वेदरिंग, फिर इसके बाद से इरोजन, और इरोजन के बाद तो बाकी आपको चीजें पता ही है कि ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है और फिर उसके बाद से डिपोजिशन हो रहा होता है। वेदरिंग कराने में आपको आइडिया लग ही गया क्या चीज है कि यहाँ पर केमिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये सारी प्रोसेसेस वर्क कर रही होती हैं। और अगर हम लोग इरोजन के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक्सटर्नल एजेंट आ जा रहे होते हैं। क्लियर हो गया। मास मूवमेंट में क्या होता है, यहां पर जो भी मूवमेंट हो रही है वो मास स्केल पे होती है, मतलब ब्रॉड स्केल पे होती है, बड़े लेवल पे हो रही होती है। दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट, दिस इज बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, एक फोर्स लगती है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, और इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से बेसिकली ये पूरा का पूरा जो मास मूवमेंट है वो काम कर रहा होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट एग्जैक्टली इज द रीजन या व्हाट एग्जैक्टली इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड एनी मास मूवमेंट, तो आप आंसर देंगे क्या चीज है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। जैसे आप लोगों ने बचपन में इस तरीके का, 11th क्लास में आप लोग इस तरीके का सिस्टम पढ़े होंगे जहां पर एक छोटी सी बॉडी को रखा जाता था, इसका मास m होता था, यहां पर इसकी mg लग रही होती थी, यहां पर इसका फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कर देते थे, फोर्स को तोड़ दे रहे होते थे, यहां पर आ जाती थी mg sin थीटा और यहां पर mg sin थीटा या mg cos थीटा जो भी आपका है, यहां पर mg cos थीटा आ जाता था, वैसे mg sin थीटा इधर आ जाता था, और अल्टीमेटली हम लोग नॉर्मल रिएक्शन ले रहे होते थे और यहां पर ये इसका मास से डिवाइड करके हम लोग इसका एक्सेलरेशन निकाल दे रहे थे। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाती थी, जी कॉस थीटा होती थी कि नहीं होती थी। तो ये आप लोगों ने बचपन में इस तरीके की कई सारे कैलकुलेशन किए होंगे, यही कैलकुलेशन आपको यहां पर भी करना है, और ये जो जी कॉस थीटा है यही हो जाता है मूवमेंट फोर्स कराने का, मतलब ये बेसिकली फोर्स मूवमेंट बन जाती है और इसी को हम लोग बोलते हैं बेसिकली मास मूवमेंट। समझ में आ गया क्या चीज है मास मूवमेंट का मतलब, चीजें भी क्लियर हो गई होंगी क्या है। अब जरा हम लोग जरा थ्योरी पे आ जाते हैं और जरा थ्योरी देख लेते हैं क्या कुछ हमारे पास थ्योरीज हैं। तो देखिए, मूवमेंट ऑफ वेदर्ड मटेरियल डाउन द स्लोप ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, इसी को हम लोग बोल देते हैं कि ये मास मूवमेंट हो जा रही होती है। मूवमेंट कैन बी स्लो और सडन, कुछ भी हो सकती है, धीरे भी हो सकती है, स्लो मोशन भी हो सकती है, सडन भी हो सकती है, जस्ट लाइक लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड जो होती है वो क्या होती है, अचानक से होती है, फटाफट हो जाती है, तुरंत हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन द स्लोप ग्रेडियंट। अगर मान लेते हैं कि स्लोप बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियस ही बात है कि जी कॉस थीटा भी आपका
सिस्टम इसी तरीके से लग रहा होगा। तो थीटा इट ऑल डिपेंड्स ऑन द थीटा कहां पर है, ठीक है। अगर मान लेते हैं इसकी वैल्यू काफी अगर ज्यादा हो रही होती तो ऑब्वियसली यहां पर फोर्स भी रिलेटिवली ज्यादा लगेगा और इस तरीके से जो ग्रेडियंट है वो हमें अल्टीमेटली इस तरीके का सिस्टम देखने को मिल रहा होता है। बाकी वेट ऑफ डेब्रिस मतलब यहां पर जो भी अगर मान लेते हैं कि मास अगर ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है फ्रिक्शनल फोर्स इसका कम लग रहा होगा, उस फ्रिक्शनल फोर्स के कारण से इसकी जो मूवमेंट है वो मूवमेंट जो है काफी हाई देखने को हमें मिल रही होगी। क्लियर हो गया क्या चीज है। फिर उसके बाद से बाकी मॉइस्चर एंड ऑल दैट ये सब चीजें तो आपको पता ही है कि सरफेस जो होता है जितना ज्यादा फ्रिक्शन लेस रहेगा मास मूवमेंट उतना ही ज्यादा तेज हो रही होगी। तो क्लियर है ये चीज। बाकी इसके बाद से छोटे छोटे टर्म आ जाते हैं, जैसे एक टर्म होता है जिसको हम लोग सॉइल क्रीप बोलते हैं। सॉइल क्रीप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनिएगा समझ में आ जाएगा क्या चीज है। पहले एक बार पढ़ लीजिए क्या चीज है। इट इज अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ डाउन हिल स्लोप्स कॉमन इन डैम सॉइल वेयर वाटर एक्ट एज ल्यूब्रिकेंट। ये क्या चीज है जरा ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से सुनने के बजाय एक काम करते हैं फोटोग्राफ देखते हैं, फोटोग्राफ देखने के बाद आपको ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये देखिए आपकी फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला जो फोटोग्राफ है ये है सॉइल क्रीप का। हुआ क्या है यहां पर देखिए ये स्लोप है, ये हमारी नॉर्मल सरफेस है, यहां पर एक स्लोप दिया गया है। स्लोप के कारण से आपको देखने को मिलेगा यहां पर बेसिकली पूरा का पूरा सरफेस जो होता है ग्रीन सरफेस हुआ करता था, लेकिन आपको व्हाइट व्हाइट पैचेस दिखेंगे और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि एक गड्ढा आ गया है। देयर इज बेसिकली एन एलिवेशन, ये एलिवेशन हो गया है यानी कि एक काम कह सकते हैं ये सरफेस नीचे की ओर में धस गया है। इसी तरीके का जो धसना, इसी तरीके का जो ये डेप्थ डिप्रेशन जो चीज है वो यहां पर भी देखने को मिल रहा है। तो ये जो चीज होती है इस तरीके की चीज को हम लोग बोलते हैं सॉइल क्रीप। हुआ क्या है बेसिकली जरा देख लेते हैं सॉइल क्रीप में होता क्या है, यहां पर जरा ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं कि ये हमारी मान लेते हैं कोई सरफेस है, दिस इज एक्चुअली द सरफेस, ये सरफेस है ठीक है, और ये मान लेते हैं कि स्लोपी एरिया है, ये हमारा स्लोप है, ये हमारा थीटा है ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, यहां का जो मटेरियल होगा मान लेते हैं वो लेयर नंबर वन है, दिस इज लेयर नंबर वन। थोड़ी सी कैलकुलेशन कर ले, थोड़ा सा साइंस लगा लेते हैं, कोई बात नहीं। ये हम लोगों ने इस तरीके से हम लोगों ने डिवीजन कर लिया, दिस इज लेयर नंबर वन, ये पहली वाली लेयर नंबर वन है, यहां पे लेयर टू है, यहां पे लेयर थ्री है, यहां पे लेयर फोर है, यहां पर लेयर फाइव है और लास्ट में लेयर सिक्स आ जा रही होती है। नॉर्मल किसी एक सरफेस पे आपको पता ही होगा इंटीग्रेशन वाला फंडा, नॉर्मल वाला फंडा। तो यहां पर मान लेते हैं कोई एक मैंने एलिमेंट ले लिया, एलिमेंट ले लिया, इस एलिमेंट पे ऑब्वियस सी बात है इसका कुछ फोर्स लग रहा होगा और इस फोर्स को लेने के बाद में वही डिवाइड डीएक्स वाला जो काम करना होता है जीरो से लेकर के एक्स तक, ये सब चीजें इंटीग्रेट कर दे रहते हैं, अल्टीमेटली आपको पूरा का पूरा सिस्टम का पता चल जा रहा होता है। तो वो तो हम लोग करते थे अपने जैसे 11th 12th और इंजीनियरिंग के दौरान में किया जाता था ये सब, जाने दीजिए। तो दिस इज समथिंग डिफरेंट, यहां पर इसका यूज मैं बेसिकली इसलिए कर रहा हूं कि आपको कोई भी आप सॉइल का मटेरियल ले लीजिए, कोई भी अगर आप सॉइल का मटेरियल लेंगे तो इसके ऊपर में लगातार एक फोर्स लग रही होगी, दैट इज जी कॉस थीटा। ये जो फोर्स या फिर एम जी कॉस थीटा एक फोर्स लग रही होगी और फोर्स के कारण से होगा क्या कि यहां की जो सॉइल होगी वो लगातार नीचे की ओर में गिरते जा रही होगी। नीचे की ओर में गिरने के कारण जो यहां L4, L3 और L5, L6 की जो सॉइल होगी वो एक्स्ट्रा प्रेशर झेल रही होगी, क्योंकि ऊपर से भाई वेलोसिटी के साथ एक बंदा आ रहा है। तो एक तो फोर्स जो एम जी कॉस थीटा है वो तो कॉस थीटा लग ही रहा है, साथ में पी बराबर एम वी यानी कि जो मोमेंटम है उस चेंज इन मोमेंटम के कारण से अलग एक इंपल्स भी जनरेट हो जा रही होगी और इस इंपल्स के कारण से फोर्स अलग लग रही होगी, यानी कि बेसिकली फोर्स यहां पर डबल हो गया। एक हो गया जो नॉर्मल फोर्स है और दूसरा है जो इंपल्स के कारण से फोर्स है। तो एक हो गई जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग गई और दूसरी लग गई इंपल्सिव फोर्स। तो जो लोग भी साइंस बैकग्राउंड के हैं उनको तो ये चीज जो मैं बोल रहा हूं उनको समझ में आ रहा होगा, जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो लोग केवल ये मान लीजिए कि एक एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है जो कि नीचे वाले लेयर को ऊपर वाले लेयर के कारण से ज्यादा फील हो जा रहा है, अचानक से फील हो जा रहा है, जिसके कारण से पूरा का पूरा एरिया अगर ये सॉइल नीचे बह रही है तो इधर की पूरी सॉइल लगातार नीचे फ्लो कर जाएगी, नीचे की ओर में जाकर के गिर जाएगी। एंड दैट इज वाई यहां पर एक डिप्रेशन आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। अगर यहां पर आपको दिखाऊं कैसा दिखेगा, यहां पर देखिए कुछ इस तरीके का एरिया आपको देखने को मिल जा रहा होगा, जहां पर ये सरफेस यहां पे आया
देन मूव ऑन किया, फिर उसके बाद से इस तरीके का यहाँ पर आपको एक ढलान देखने को मिल जाएगा, या कह लीजिए कि इस तरीके का आपको एक डिफरेंस देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर बीच में जब आप देखेंगे तो देयर इज नथिंग, यहाँ पर जो है कुछ नहीं मिलेगा आपको, एक सीढ़ी तरीके से दिखेगा कि यहाँ सीढ़ी नुमा है, बाकी फिर आपको स्लोपी सरफेस मिल जाएगा और ये आपका स्लोपी सरफेस तो ऐसा बना ही हुआ है। तो एक विजुअलाइजेशन बेसिकली आ रही होगी कि क्या विजुअलाइजेशन है, दिस इज हाउ यहाँ पर एक सरफेस बना है, फिर एक और हाइट मिला है, इस तरीके के सरफेस यहाँ जो पूरी की पूरी सॉइल नीचे आके गिर गई है इसी को हम लोग बोलते हैं सॉइल क्रीप। क्लियर हो गया क्या चीज है सॉइल क्रीप क्या हो गया। ओके अब हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आती है सॉइल फ्लो। हमारी ये जो सॉइल फ्लो होकर के नीचे गई है, क्यों गई है, क्योंकि पहली चीज एक्स्ट्रा फोर्स लगा है। क्यों फोर्स लगा है, या तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया है इसने, या फिर पानी के साथ में ये फ्लो कर गया है, ग्लेशियर के साथ में फ्लो कर गया है, या फिर इस पे एक्स्ट्रा इंपल्स जनरेट किया गया है। तो आप ये बोल सकते हैं कि कोई ना कोई एक एक्सटर्नल फोर्स लग रही होगी और उस एक्सटर्नल फोर्स के कारण से जो वहां की सॉइल थी वो मूव कर गई और इसी को हम लोग बोलते हैं सॉइल फ्लो। क्लियर हो गया। देखिए यहां पर जरा एक बार थ्योरी पढ़ लीजिए क्या लिखा है कि सॉइल इज सैचुरेटेड विथ वॉटर एंड इंडिविजुअल पार्टिकल आर सस्पेंडेड इन वॉटर दे स्टार्ट मूविंग लाइक ए लिक्विड। तो अगेन वही वॉटर के साथ में मूवमेंट स्टार्ट हो जा रही होती है, उसी को हम लोग सॉइल फ्लो कह रहे हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं लैंडस्लाइड के बारे में। तो लैंडस्लाइड तो आपको ऑलरेडी क्लियर ही है क्या चीज होती है कि यहाँ पर सरफेस बेसिकली टूटना स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए बेसिकली यहाँ पर चीजें हुई क्या है, सबसे पहले हुआ है सॉइल क्रीप। सॉइल क्रीप के कारण से जो हमारी सरफेस है वो वीक सरफेस हो गई है। अब ये जो वीक सरफेस है वो आ गया है वॉटर के संपर्क में, तो वॉटर के कॉन्टैक्ट में आने के कारण से अब ये फ्लो करना शुरू कर दिया है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं सॉइल फ्लो। अब ये जो फ्लो बेसिकली हो रहा है आगे जा करके इसकी जो स्पीड है वो और तेज हो जाएगी और इसी स्पीड तेज को हम लोग बोल रहे हैं लैंड स्लाइड। जरूरी नहीं है कि यहां पर ये लिक्विड फॉर्मेट ही केवल हो सकता है कि सॉलिड फॉर्मेट होगा और इस तरीके की लैंड स्लाइड हमको देखने को मिल सकती है। ये लैंड स्लाइड बेसिकली दो टाइप की होती है। अगर ये ड्राई एरिया में हो रही है तो वहां पर तो आपको रॉक वाली चीजें मिट्टी वाली चीजें गिरते हुए मिलेंगी, उसको हम लोग लैंड स्लाइड ही बोल रहे होते हैं। लेकिन जहां पे ग्लेशियर होता है उसको हम लोग एवलांच बोलते हैं, दिस इज बेसिकली एवलांच। क्लियर हो गया क्या चीज है। तो जितनी भी माउंटेन एरिया में जो ग्लेशियर्स रहती है और अगर ग्लेशियर में लैंड स्लाइड आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एवलांच। ठीक है, क्या चीज है, भूस्खलन, इसको हिंदी में बोल रहे होते हैं हमारे लैंडस्लाइड को, और जो एवलांच होती है उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली। चलिए खैर, तो ये चीज हो गई जो आपको समझ में आ गई होगी कि सॉइल क्रीप क्या है। पानी यहाँ पर देखिए आकर के इकट्ठा हो गया, सॉइल हमारी नीचे गिर गई है, इस तरीके का आपको एक सरफेस देखने को मिलेगा जहां पर पूरी की पूरी एरिया फ्लो करके नीचे आ गई है। देखिए ये स्लंप हो गया है, सॉइल स्लंपिंग हो गई है। डेब्रिस फ्लो में क्या होता है, डेब्रिस जो होती है पूरी इलाका नीचे आ गया। रॉक फॉल में रॉक अगर नीचे गिर जा रही होती है तो इस तरीके से यहाँ पर हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें मिल रही होती हैं। एक और फोटो आपको बेसिकली, ये फोटो तो खैर आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, लेकिन एक और फोटो होती है जो एनसीईआरटी में मिलेगी और वो ये फ्लो है। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए चीजें क्लियर नहीं है, मैं इसको क्लियर करता हूँ क्या क्या चीजें। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्लाइड, तो ये बेसिकली स्लाइड हो रहा है। यहाँ पर क्या है, दिस इज बेसिकली अ हीव स्ट्रक्चर, हीव स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर है बेसिकली फ्लो। तो ये बेसिकली तीनों फॉर्मेट लिख दिया है कि यहां पर स्लाइड हो रही है, यहां पर हीव हो रखा है और यहां पर फ्लो हो रही है। ये एरिया जो होता है वो ड्राई एरिया का पार्ट है और ऊपर वाला जो एरिया है वो वेट वाला एरिया है। अब यहां से हीव से जब आप स्लाइड की ओर मूव कर रहे होंगे तो एक तरीका है कि स्लो मूव कर सकते हैं और दूसरा तरीका है कि आप फास्ट मूव कर सकते हैं। फास्ट मूव करने में यहां पर हमें लैंड स्लाइड देखने को मिल रहा होता है। रॉक के एरिया में होगा तो रॉक स्लाइड बोला जाएगा। अगर ये धीरे धीरे, जैसे ड्राई है तो रॉक के फॉर्मेट में है, जब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा तो लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड के पास से अल्टीमेटली मड फ्लो में कन्वर्ट हो जा रही होती है, कि मड का मतलब आपको पता ही है और अल्टीमेटली ये वेट होने के कारण से मड फ्लो कीचड़ के रूप में पहुंच जा रही होती है। क्लियर हो गया। तो जब हीव रहेगा तो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले देखने को मिलेगा सॉइल क्रीप। इस सॉइल क्रीप के बाद फिर अल्टीमेटली हमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे होते हैं और फाइनली हमारी मड फ्लो वाली चीज हो जा रही होती है।
तो आई होप आप लोगों को ये पूरी चीजें क्लियर हो गई होंगी, क्या सिस्टम है, कैसे क्या किया हम लोगों ने, पूरी मास मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली किसके बारे में, लैंड फॉर्म्स के बारे में। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप टेलीग्राम चैनल नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।